दोस्तों हाल ही में जो भी हुआ है इंडिया ए वर्सेस वेस्ट इंडीज ए के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें शुभमन गिल ने शानदार डबल सेंचुरी जड़ के 204 रनों की सबसे बेहतरीन पारी खेल चुके हैं और वो गौतम गंभीर के बाद ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने हैं जो कि सबसे यंगस्टर हैं और ये काम करने वाले। तो दोस्तों ये थी शुभमन गिल की सबसे बड़ी कहानी और सबसे बड़ी कामयाबी और इसी के कड़ी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शुभमन गिल की वो तीन बड़े बड़े जो कि हो सकते हैं इन्हें तीन मौके मिल सकते हैं ये बड़े तीन मौके मिल सकते हैं टीम इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों वो कौन से तीन मौके हैं वो हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है शुभमन गिल की तरफ से और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और हम बात करें नंबर वन जो कि रहने वाला है वो है टीम सेलेक्शन से लेके। हाँ दोस्तों टीम सेलेक्शन से लेके क्योंकि अगर हम बात करें शुभमन गिल की तो शुभमन गिल जो अगले जो महीने में होने वाला है साउथ अफ्रीका से सीरीज उसमें हो सकता है कि शुभमन गिल को मौका मिले उस सीरीज में खेलने का और अगर शुभमन गिल उस सीरीज में अच्छा खेलते हैं तो ये भी हो सकता है कि टीम इंडिया की तरफ से परमानेंट मेंबर वो बन सकते हैं। और अगर हम बात करें शुभमन गिल की तो शुभमन गिल इसी सीरीज में जो हो रहा है वेस्टइंडीज से बड़े बड़े जो रहने वाले हैं एक्सपर्ट वो कह चुके हैं। अगर हम बात करें सुनील गावस्कर और सौरभ गांगुली की तो ये बात ये कर चुके हैं कि अगर शुभमन गिल को इस सीरीज में मौका मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस पारी के बाद 204 रन की पारी के बाद ये जरूर और जरूर ये होगा कि शुभमन गिल को जो अगला सीरीज होने वाला है उसमें मौका मिलेगा। और अगर शुभमन गिल ने शानदार इनिंग खेली तो इनका जो स्पॉट है इनका जो जगह है वो परमानेंट टीम इंडिया के लिए हो सकता है। और जो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है आईपीएल प्राइस की तरफ से, जो कि अगर हम बात करें शुभमन गिल की तो शुभमन गिल शानदार फॉर्म इस समय चल रहे हैं और अगर टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ वो अच्छी पारी खेल दिया और टीम इंडिया के साथ अगर अच्छे परमानेंट सदस्य बन गए और उसके बाद केकेआर को अगर हम बात करें तो शुभमन गिल का प्राइस जो है आईपीएल प्राइस उन्हें बढ़ाना पड़ेगा और इसमें शुभमन गिल को एक बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करें नंबर तीन और नंबर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि खबर निकल के आ रही है वो है इंडिया नंबर फोर स्पॉट। हाँ दोस्तों अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो ये बहुत ही पुरानी जो समस्या है वो चली आ रही है कि टीम इंडिया के तरफ से नंबर फोर स्पॉट के लिए कोई खिलाड़ी अभी तक चॉइस में नहीं बैठा है। और हम बात करें शुभमन गिल की तो शुभमन गिल एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, उनके पास टेम्परामेंट है कि वो टीम इंडिया के नंबर चार पे खेल सकते हैं और अगर शुभमन गिल अगर नंबर चार पे टीम इंडिया की तरफ से खेले और अगर अच्छी बल्लेबाजी कर दी तो ये हो सकता है कि टीम इंडिया का जो नंबर चार का जो दिक्कत है वो जो बहुत ही सालों से चला आ रहा है वो खत्म हो सकता है। और अगर ये खत्म हो गया तो शुभमन गिल के बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है वो कौन सी जो बड़ी न्यूज़ है जो शुभमन गिल के लिए आपको लगती है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो और एनालिसिस के साथ।